आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह से प्रोटीन से भरपूर मात्रा में चना और मूंग का नाश्ता, जो खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कप मूंग, आधा कप चना, इन दोनों को 3 से 4 घंटा पानी में भिगोने के बाद इसे पानी से निकाल लिए हैं और एक सूती कपड़ा में बांध कर रख दिए थे, तो ये इस तरह से अंकुरित हो चुका है, आप देख सकते हैं। 2 टमाटर है, 3 से 4 हरी मिर्च। इधर एक फ्राई पैन को गरम करके रखे हैं, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 छोटी चम्मच सरसों का तेल। तेल हल्का सा गरम हो गया है तो इसमें जाएगा 3 से 4 कली कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी कटे हुए अदरक, मीडियम फ्लेम पे अदरक लहसुन को 30 सेकंड भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, प्याज को मिलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। कटे हुए हरी मिर्च, प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है तो इसमें जाएगा मूंग और चना, नमक 1 चम्मच, मूंग और चना को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से भून लेते हैं। यहाँ पे इसमें डालेंगे कुछ मसाला जैसे जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट पकाना है। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर, मीडियम फ्लेम पे टमाटर को 2 मिनट भून लेते हैं। सभी कुछ अच्छी तरह से भून गया है और टमाटर को पूरा नहीं गलाना है, सिर्फ इतना ही रहने देना है। तो अभी लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला। गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब गैस बंद करके इसे सर्व कर लेते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर मात्रा में नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। ये खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।